तो गाइस ये भी निकल गया खराब, हो गया हमारा पोपट, तो हम जा रहे हैं इसको वापस करने। मैं जा रहा फ्लिपकार्ट की कंपनी में इसको वापस करने के लिए। जस्ट जोक। गाइस फाइनली हमारा चूल्हा आ चुका है। जैसे कि आपको पता ही है लास्ट टाइम हमने ब्लू ईगल का मंगाया था, इस टाइम मैंने मंगाया खेतान का। चलो पहले से करते हैं फटाफट से ओपन, ओपन करके दिखाते हैं आपको और फिर चेक करेंगे। वन की दोस्ती वाला चलना चाहिए, ठीक है ना, प्रे करना चलना चाहिए। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि चल रहा चल रहा। आज पहले ऑन करेंगे फिर इसके बाद पूजा करेंगे। तो गाइस इसमें देखो बर्नर आए तीनों के तीनों गोल्डन, आज तो गोल्डन है। ये रहा गाइस, ये थोड़ा सा पतला है उससे, मे बी वो भी चौड़ा लग रहा था, ये थोड़ा सा पतला है। हाँ ये पतला लंबा है, ठीक है। चलो ठीक है, चलते किचन में ट्राई करते हैं। इसके ना पीछे बांध रखे ये, काट लेते हैं। बांध देखिए, बैक साइड ना पैकिंग बहुत अच्छी है, मतलब उसमें तो बिल्कुल ऐसे ओपन सा कर रखा था, बट इसकी पैकिंग ना पूरी जेन्युइन वाली दे रखी है, कहीं से लग नहीं रहा कि किसी ने इसे पहले हमसे ओपन करा है। और उसमें वो भी निकाल रखी, बर्नर के ऊपर भी इन्होंने ये जो टाई होते हैं ना, टाई लगा रखी है। दिखाता हूँ कहाँ पे, ये देखो एक मिनट पकड़ो इसे, रोन दो एक मिनट। अच्छा अरे तो गाइस प्यू उठ चुकी है, तो प्यू आवाज लगा रही मम्मी क्योंकि अभी डिलीवरी बॉय आया था। तो चलो फटाफट से पहले हम चलते हैं और पहले परी को ले लेते हैं फिर। ये देखो ये भी आ गई, चलो ये लगाऊं कि पहले ऐसे चला के देखे, चला के देख, चला के देख, तो ये चलेगा कैसे, ये तो वहीं पे लगेगा तभी तो चलेगा। तो गाइस अभी प्यू आ गई, परी आ गई और परेशान करेगी अब। चलो फटाफट गरम से लगा देते, फिर दिखाते हैं। गाइस मैंने पूरी फिटिंग कर ली, नीचे के स्टैंड लगाते और गाइस देखते कौन सा इसका है। मम्मी आ गई है, चलो चलते लेके इसको पूरी जान लगाते हुए फाइनली निकली। कैसा लगा निकाल के? बहुत बेकार, ये हालत खस्ता हो गई। तो गाइस ये वाला लिया, ये तो सिर्फ तुम जाके ले रहा है, ये निकाल लेना इसकी नोब, हम देखो इसको साइड में। उसमें पता क्या गाइस, उसमें यहाँ पे था, उसमें 360 डिग्री रोटेट हो सकता था, इसमें राइट साइड को ही है, जैसे कि हमारे पुराने वाले में है, पुराने वाले मतलब ये बैटल नहीं हटा रहे, बट इसके भी स्पेस अच्छे हैं। हाँ मतलब इसकी ना ये चौड़ाई वैसे करना है, वैसे तो बहुत अच्छा है। तो गाइस मम्मी कह रही पूजा, मैंने मम्मी को बता दिया रुको यहाँ से यू यू ही लिया। इधर लाओ। अच्छा अब देखो वो ऐसा यहाँ से हाँ। इधर ला रहे बीच में, टच नहीं करना इधर, पता है, बस नीचे कर दो और
उधर ले जाओ। ठीक है। तो गाइस ये कर दी मम्मी ने पूजा। मम्मी को स्वास्तिक बनाना आता नहीं है, मम्मी ने बना दी जैसे भी करके। तो देख लेना आप, समझ जाना मैंने सिखा दिया था, काफ़ी है। अब मम्मी ने इस पर रखती है प्रसाद और फटाफट अब इसे चला के देखेंगे। मैं आ रहा हूँ ऑफिस के लिए लेट, तो इसलिए मम्मी अपन इसे चला वाला के देखेंगे, ठीक है। तो गाइस होप करता हूँ कि ये चल जाए, क्योंकि पिछली बार जो हमने मंगाया था ब्लू, कौन सा था वो, ब्लू ईगल था शायद से, वो चला नहीं था। इसलिए मैंने, देखो आपने ब्रांड देखा होगा ना कैतान, तो मैंने उसी का मंगाया है। और ये वो है मैनुअल है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक में ना प्रेस करना पड़ रहा था तो पीछे हो जा रहा था। तो मम्मी ने भी कहा पूछा भी कि नहीं इस बार मैनुअली मंगा लेना, हो सके फिर से ख़राब आ जाए इसलिए। तो चलो देखते हैं पहले फटाफट से इसकी पूजा करके। ये पूजा कंप्लीट हुई, ओह गाइस एक मिनट, हमने यहाँ से बंद कर रखा था अभी। कोई नहीं चलाओ, डरने की क्या बात है। मम्मी डर गई थी अभी, इसमें घुर्रो दिन के बाद आई तो ये चल गया। कम कर लो, कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल कर दो, बिल्कुल। तो मम्मी को लग रहा डर, बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल कम, बिल्कुल बंद नहीं होगा, कम कर दो, घुमा दो जितना घूम सकता है बस। तो बंडल साइज से कम हो गया ये वाला, तो गाइस देखो ये हो चुके हैं। बंद करो, बंद करो, आप चला लो दोबारा। तो गाइस देखो इनकी फ्लेम बहुत तेज है, मैं तीनों की दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो तीनों की फ्लेम बहुत तेज है। हाँ तो चलो गाइस ये आवाज़ तो ठीक निकल गया। तो फाइनली हमारे घर में 3 बर्नर चूल्हा लग चुका है, देख सकते हो।